उनको नहीं पता था कि मन्ना क्या है, इसलिए उनको नहीं पता था ये क्या चीज है, इसलिए उन्होंने उसका नाम मन्ना रख दिया क्या है। परंतु जो रोटी हमें मिली है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये रोटी किसके साथ उतरी है? परमेश्वर की ओस कौन? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की ज्योति कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये रोटी उस ओस और उस ज्योति के साथ हम तक पहुंची है। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड में बात कर रहे हैं 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हम पिरगमुन की कलीसिया के बारे में सीख रहे थे और ये पिरगमुन की कलीसिया का 7वां भाग है। पिछले संदेश में हमने पिरगमुन की कलीसिया के बारे में सीखा था कि मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना, मसीह द्वारा उसके काम की निंदा करना, मसीह द्वारा दूत को सहमति और चेतावनी देना, मसीह द्वारा दूत को रिवार्ड देने का जो मसीह ने वादा किया है उसके विषय में पढ़ा था। परंतु रिवार्ड वाली जो कहानी है अभी खत्म नहीं हुई है, अभी वो बात खत्म नहीं हुई है। प्रकाशित वाक्य 2:17 पद हमने पिछले संदेश में भी सीखा था और आज हम फिर से सीखेंगे। परंतु यदि आप पिरगमुन की कलीसिया के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 2 उसका 12 से लेकर 17 तक आप खोल के रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें से सीख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 उसके 17वें पद को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जिसके कानों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। हमने इस पद की रूपरेखा तैयार करी थी, जिसके कानों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जान पाएगा या नहीं जानेगा। यहां पर हमने जो है, जिसके कानों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए, इसके विषय में हमने पिछले संदेश में सीखा था। परंतु आज हम बात करेंगे कि उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। देखिए, गुप्त मन्ना यानी ऐसी मन्ना क्या थी कि पिछले जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो मन्ना इसराइलियों को जब मिस्र से निकाल कर लाया तो 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उस जंगल के अंदर इसराइलियों को क्या खिलाया? मन्ना खिलाई। जी हाँ, ये आखिर मन्ना थी क्या, ये पहले हम देख लेते हैं कि ये मन्ना क्या थी। यहां लिखा हुआ है, आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 78 चैप्टर 23 से और 25 पद तक हम जो है इसे देखेंगे। 23 पढ़ रहा हूं मैं, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वार को खोला। 24 और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। 25 पद है, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब वो इसराइलियों को निकाल कर लाया तो उसने क्या करा कि स्वर्ग से अन्न बरसाया, यानी स्वर्ग के द्वारों को खोला परमेश्वर ने। कहने का मतलब है ये, अब यहां पर एक बात बड़ी समझने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सही बात कहता है जब हम मती 6 उसके 33 पद को पढ़ेंगे कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें दूंगा। 40 वर्ष तक ना उन्होंने बोया, ना उन्होंने उगाया, ना उन्होंने बीज छिड़के, ना उन्होंने हल जोते, परंतु परमेश्वर उनको खिलाता रहा। उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और परमेश्वर उनको खिलाता रहा। परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता और आज भी परमेश्वर का वायदा वैसे ही है। वो कहता है, मैं यहोवा कभी नहीं बदलता, मैं युगानुयुग तक एक सा हूं। यीशु मसीह कहता है, मैं कल और आज और युगानुयुग तक ऐसा हूं, एक सा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो यहोवा के नाम से पुराने समय में जाना जाता था। उसने जो है ये चीजें दी हैं। क्या है सब? देखिए, यहां पर क्या पॉइंट क्या है, आकाश को आज्ञा दी पहली चीज, स्वर्ग के द्वारों को खोला, खाने को उसने मन्ना दिया, उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया, स्वर्गदूतों की रोटी दी और मनमाना भोजन दिया। मनमाना भोजन का मतलब है जितना वो खा सकते थे, जितनी भी उनको भूख थी, ताकि वो भूखे ना रह जाए, इतना भोजन दिया, कम ना पड़े। कहने का मतलब है कि कम ना पड़े, परमेश्वर ने इतना भोजन दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक बात ध्यान देने की बात है,
जब आप गिनती 11 का 9 पढ़ेंगे, वहां लिखा ना और रात को छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। देखिए अब यहां बड़े समझने वाली बात है, मन्ना किसके साथ गिर रही है? मन्ना ओस के साथ गिर रही है। जी हाँ, ओस के साथ गिर रही है। अब ये ओस के साथ मन्ना गिरने का क्या अर्थ है, इसका क्या संबंध है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ये पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, यशाया 26 और उसका 19 पद, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। ओस किससे उत्पन्न हुई? ज्योति से उत्पन्न होती है। यहां पर मैंने पूरा पद नहीं पढ़ा, यहां पर सिर्फ वो मेन लाइन पढ़ी है, यशाया 26 का 19, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। अब ओस किससे उत्पन्न हो रही है? देखिए, मन्ना के साथ ओस गिर रही है और ओस किससे उत्पन्न हो रही है? ज्योति के साथ उत्पन्न हो रही है। अब ज्योति के साथ उत्पन्न हो रही है, ये क्या मतलब है? ये जरा ध्यान देने की बात है। जब आप योहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसका 12वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह किस रूप में है, किस तरीके से जो है वो शुरू से हमारे साथ, जब से दुनिया बनी भी नहीं तब से यीशु मसीह का जो है अस्तित्व जो है वो दिखाया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से। तो यहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो किस बात को बता रहा है कि यहां पर जो है ओस से, क्या आसमान से ओस गिरती थी और जब ओस सूख जाती थी, देखिए आसमान से ओस गिरती थी, ओस के साथ मन्ना गिरती थी और जब ओस सूख जाती थी तो वो मन्ना उसमें से दिखाई देती थी और मन्ना जो थी वो बदल जाती थी। यहां पर क्या लिखा है, एक छोटी सी बात मैं पढ़ना चाहूंगा, आसमान से ओस गिरती थी और ओस जब सूख जाती थी तो उन्हें भूमि पर छोटे छोटे छिलके दिखाई देते थे। छोटाई में पाले यानी ओस के किनकों के यानी बूंदों के समान पड़े रहते थे। उन्होंने उसका नाम मन्ना रखा, इसलिए रखा क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये क्या है। आप निर्गमन 16 अध्याय 13 से 14 पढ़ लीजिएगा। मन्ना का अर्थ क्या है, क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, तो उनको पता नहीं था तो उन्होंने उसका नाम मन्ना रख दिया कि ये क्या है। अब मन्ना है क्या, देखिए हमने अभी पढ़ा जो ओस है वो क्या है, ओस किससे उत्पन्न होती है, ज्योति से उत्पन्न होती है, किस तरीके से। फिर ये ओस क्या है आखिर, ये ध्यान देना, ओस है क्या जो ज्योति के साथ उत्पन्न हो रही है और यीशु मसीह क्या कहता है योहन्ना 8 और उसके 12 पद में कि जगत की ज्योति मैं हूं। बहुत ध्यान देने की बात है। व्यवस्था विवरण 32 और उसके 2 पद में क्या लिखा हुआ है, मेरे उपदेश मेह की नाई बरसेंगे और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी। ओहो, क्या बात कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी। अब ओस के समान टपकेंगी तो ज्योति के साथ आनी चाहिए वो बातें, परमेश्वर की वो बातें ज्योति के साथ आनी चाहिए ना, क्योंकि वो कहता है ओस किससे उत्पन्न हो रही, ज्योति से उत्पन्न हो रही है। और यहां परमेश्वर कह रहा है कि मेरी बातें जो है ओस के समान टपकेंगी, तो ओस के समान टपकने का मतलब है अकेले ओस तो गिरेगी नहीं, ज्योति भी होगी। चलिए ज्योति की बातें करते हैं, योहन्ना 12 और उसका 49 पद, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। अब देखिए क्या है, पिता की बातें जो है किसके साथ आ रही, अब पिता क्या कह रहा है कि मेरी बातें ओस के समान टपकेगी मगर ज्योति जरूर होगी उसके अंदर। अब यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है, मेरे पिता ने जो बातें मुझसे कही हैं, जो बातें मुझसे बोली हैं, मुझे क्या क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, वो सारी बातें पिता ने, वो कह रहा है कि पिता ने मुझे बताई हैं और मैं पिता की बातें जो हूं वो तुम लोगों को बताता हूं, वो ही बताता हूं जो पिता ने मुझसे कहा है बोलने के लिए। इसका मतलब क्या है कि पिता की बातें ओस के समान ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची है। अमेजिंग, अद्भुत, आप नजारा देखिए कि क्या है, ऐसा सोचा कभी, ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, होशे 14 क्या कहता है, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा। वाह, क्या बात कर रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है, मैं इज़राइल के समान, ओस के समान। ओहो, श्रेष्ठ गीत को जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां कहता है कि जब वो दुल्हा जो था, जब वो खटखटाने गया, खटा वो कहती है कि मेरा दुल्हा जो था उसका ओस से सिर भीगा हुआ था और वो पूरा ओस से भीगा हुआ था। वहां पर आप पढ़िएगा श्रेष्ठ गीत में, बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है। यहां परमेश्वर क्या कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा। ओस के समान होने का मतलब क्या है, जैसे रात में
जब होता है संध्या समय हो जाती है, रात का समय हो जाता है, ओस गिरती है और सब जगह ओस फैल जाती है और ओस से जो होता है सारी चीजें जो हैं वो सिंचाई हो जाती है, एक सुकून सा मिलता है ओस के अंदर, वो सारी चीजें। परमेश्वर कह रहा है ऐसे ही मैं टपकूंगा अपने लोगों के बीच में। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, जब आप कुलुसिय 1:15 पढ़ेंगे तो वो कहता है कि वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और उसकी सृष्टि में पहलौटा है, यानी आदर्श यानी जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता है उसका प्रतिरूप जो है प्रभु यीशु मसीह है, यानी प्रभु यीशु मसीह ओस के समान इस दुनिया में आया। देखिए मैं इसराइलियों पर, और वो सिर्फ इसराइलियों पर नहीं, वो अन्य जातियों पर भी, वो पूरे संसार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ओस के समान जो है वो आया। और ये ओस किसकी है? ये परमेश्वर की ओस है। और इस ओस में क्या मिली हुई है? ज्योति मिली हुई है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कह रहा है, देखिए कहां से कहां तक जो है ये चीजें पहुंच रही हैं। परमेश्वर का वचन जो है किस बात से बता रहा है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते ना, योना की झील 1 अध्याय उसका 1 पद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और फिर वचन ही परमेश्वर था। देखिए परमेश्वर के वचन की, वचन यानी परमेश्वर की बातें जो है, यानी परमेश्वर का वचन जो है वो ओस के समान गिरता है, और वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था, वो परमेश्वर रूपी वचन जो है, जब आप योहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसका 14 पद ही पढ़ेंगे तो लिखा है और वचन देहधारी हुआ। किसमें? यीशु मसीह में, यानी उस ज्योति में जो वचन है वो क्या हुआ? देहधारी हुआ। और यहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन, योहन्ना 6 अध्याय उसके 33 और 35 पद है, 33 से 35 पद है, यहां लिखा 33 पद है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। 34, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, देखिए अब इसराइलियों को मन्ना मिली, उनको नहीं पता था कि मन्ना क्या है, इसलिए उनको नहीं पता था ये क्या चीज है, इसलिए उन्होंने उसका नाम मन्ना रख दिया क्या है। परंतु जो रोटी हमें मिली है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये रोटी किसके साथ उतरी है? परमेश्वर की ओस, कौन? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की ज्योति, कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये रोटी उस ओस और उस ज्योति के साथ हम तक पहुंची है, हमने उस रोटी को और उस ज्योति को और उस ओस को एक साथ देखा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके बीच में जो है वो उतरी है, हमें वो रोटी मिली है। देखिए स्वर्ग की रोटी इसराइलियों को भी मिली मगर वो स्वर्गदूतों की थी, परंतु जो रोटी हमें मिली है वो स्वयं परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह स्वयं रोटी बनकर मेरे और आपके लिए आया, ताकि हमें क्या मिले, उस रोटी को खाने से हमें क्या मिले, जीवन मिले, भौतायत का जीवन मिले। अगर आज हम उस रोटी को खाते हैं तो हमारे पास जीवन होना चाहिए और भौतायत का जीवन होना चाहिए, परमेश्वर का वचन जो कहता है। परंतु आज ओस की स्थिति क्या है हमारे जीवन में, क्या है? हागे की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10वां पद जब आप पद पढ़ेंगे, लिखा है इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? आकाश से ओस गिरना यानी ज्योति का आना, परमेश्वर की बातें यानी गुण बातें, स्वर्गीय आशीष आनी क्या हो गई? बंद हो गई। बिल्कुल साफ लिखा ना, ओस से हमने पढ़ा ना, ओस क्या है? परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की गुण बातें हैं, परमेश्वर की ज्योति है, वो आना क्या है? वो बंद हो चुकी है। और क्या लिखा है? पृथ्वी से अन्न उपजाना अर्थात पृथ्वी पर की जो आशीषें हैं वो भी परमेश्वर ने बंद कर दी हैं। ये परमेश्वर ने ये पद क्यों लिखा है? हागे की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10वें पद में क्यों लिखा है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना बंद है, यानी आप देख लीजिए स्वर्गीय आशीष भी और पृथ्वी की आशीष भी दोनों बंद हो गई। अब जो बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमें तो प्रभु आशीष दे रहा है, हमें तो आशीष, वो झूठ बोल रहे हैं। जब आकाश परमेश्वर ने बंद कर रखा है, बिल्कुल साफ बोल रखा है कि मैंने जो है आकाश बंद कर दिया है और पृथ्वी से अन्न उपजाना, और ये सब आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी से अब कितना अन्न उपज रहा है, कितना अन्न की पैदावार हो रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ये खाने के लाले पड़ जाएंगे, मगर परमेश्वर जो है क्या कह, अब आप कहोगे कि परमेश्वर अपने लोगों को देगा, अब कैसे अपने लोगों को देगा? ये चीज जानना जरूरी है, जब हम प्रभु में बने रहेंगे ना, जब हम जय प्राप्त करेंगे, जब हम मन परिवर्तन करेंगे, जब हम प्रभु को समर्पित होंगे, तभी तो प्रभु हमारे बारे में सोचेगा, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। मगर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, ये पढ़ना जरूरी है कि क्यों प्रभु ने ऐसा कहा है।
हग्गे एक और उसका नौ पद, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम लोग जो हैं सिर्फ अपने घर की व्यवस्था को पूरा करने में लगे हैं। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, इसका मतलब क्या है? यानी जो परमेश्वर के भवन से प्रभु के जो सेवक लोग हैं वो जो है उनको रोटी नहीं मिल रही है, उनके बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा जो है वो अच्छे स्कूलों में नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास धन नहीं है। क्यों धन नहीं है? क्योंकि जो परमेश्वर ने आप लोगों से कहा है कि तुम मेरे भवन में लेकर आओ वो तो लेकर नहीं आ रहे, सारी कमाई अपने घर में लगा रहे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए लगा रहे हैं, अपनी चीजों में उड़ाने के लिए लगा रहे हैं, अपने जो भी मतलब है सब अपने में, परमेश्वर के लोगों की तरफ, परमेश्वर के भवन की तरफ, जो परमेश्वर के भवन से जुड़कर 24 घंटे सेवकाई कर रहे हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर चले जाते हैं दुआ प्रार्थना करने आपके घर में आ जाते हैं तो 150 रुपए ऐसे दे देते हैं जैसे बहुत भारी, आज के 100 रुपए कितने हैं? 10 रुपए के बराबर होते हैं, मगर कोई भी सुधी नहीं रख रहा, सब अपनी सुधी रख रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के भवन में देना नहीं जानते हैं। इसलिए जो है वो ओस गिरना जो है वो बंद हो चुकी है। आप पढ़ सकते हैं मलाकी 3:8-10 कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान के झरोखे जो है मैं खोल दूंगा। अब जब हम उस ओस की वैल्यू को, जो आशीष है उसको इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर गिराता है ज्योति के साथ, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो गुप्त मन्ना देने का वायदा करा है परमेश्वर ने, जिसको हम समझ रहे हैं क्या है, उस गुप्त मन्ना के बारे में जो है वो कौन है गुप्त मन्ना, वो आखिर ऐसी कौन सी चीज है? जी हाँ, वो गुप्त मन्ना वो जो इसराइलियों को मिली वो नहीं थी, वो गुप्त मन्ना जो है वो सही माने में प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा रूप जो हमारे सामने जो है वो ऐसा बना रहेगा जिसको देखकर हम अचंभित और प्रभावित होंगे और उसकी रोशनी से जो है हम भरे रहेंगे, उसकी आत्मिकता से, उसकी पवित्रता से जो है हम भरे रहेंगे। एक ऐसी चीज जो है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जब हम जाएंगे तो ऐसी ऐसी चीजें जो देखेंगे वो उसके बारे में है। और यह भी गुप्त रखी गई है, ये खोली नहीं गई है, ये गुप्त मन्ना क्या है, क्योंकि जब जो चीज गुप्त है परमेश्वर ने गुप्त रखी है उसको हम खोल भी नहीं सकते हैं और हम खोलने वाले कोई होते भी नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है वो गुप्त क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है उन लोगों को देगा जो जय प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम इस गुप्त मन्ना के भागीदार हों और अपने जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर जो आशीष, जो बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह हमारी ओस है, प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति है और वो परमेश्वर की बातों को लेकर हम तक पहुंचाए, उसको ग्रहण करें ताकि उस गुप्त मन्ना के भागीदार हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।